नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। राजस्थान में सियासी संकट बीते लंबे वक्त से गहराया हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री युवा नेता सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दोनों को ही स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया है, वहीं सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षक के तौर पर भी नियुक्त किया जा चुका है और दूसरी ही तरफ प्रभारी के तौर पर गुजरात में मैदान में उतारे गए हैं अशोक गहलोत। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों को लेकर ये अहम फैसले लिए हैं। वहीं अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावा ये किया जा रहा है कि दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान सचिन पायलट और अशोक गहलोत को करीब लाया जा सकता है। दोनों के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उस जंग को खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर गहलोत गुट पर कहीं ना कहीं मेहरबानी देखने को मिल रही है आलाकमान की और कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल दावा ये किया गया कि जब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होगी मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो सबसे पहले वह राजस्थान संकट पर ध्यान देंगे, लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि दिसंबर के महीने में गुजरात में मतदान होने वाला है और 12 नवम्बर को हिमाचल प्रदेश में मतदान होगा। ऐसे में 8 दिसंबर को जब नतीजे सामने आ जाएंगे तब साल के अंत में दिसंबर के अंत में फैसला सुनाया जा सकता है राजस्थान के संकट पर। और इसी बीच यहां पर सचिन पायलट अपनी नाराज़गी को जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें 25 सितंबर की रात अशोक गहलोत के गुट के 92 विधायकों ने अपना इस्तीफा सीपी जोशी को सौंप दिया था और अब तक उस पर फैसला नहीं आया है। ऐसे में यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से देरी कर रहे हैं उस पर यहाँ पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वाकई में यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे गहलोत गुट पर मेहरबान हो रहे हैं? क्योंकि दावा ये भी किया गया है कि सीपी जोशी पर कहीं ना कहीं यहाँ पर गहलोत गुट का दबाव है या फिर पायलट गुट पर गहलोत गुट का दबाव है। आपको बता दें कि हाल ही में जो खबर सामने आई है उस पर अगर गौर किया जाए तो बगावत के मामले में गहलोत के करीबियों पर 3 महीने में कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। पार्टी कि जो कार्यवाही समिति ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है, इस पर नोटिस जारी किए हुए तकरीबन 1.5 महीने हो चुके हैं और सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अशोक गहलोत की करीबियों पर कौन मेहरबान है। और इस बीच यहां पर सचिन पायलट की उड़ान पर अब संकट के बादल गहराने लगे हैं। आपको बताते चलें कि अनुशासनात्मक समिति के सदस्य सचिव तारिक अनवर का कहना रहा है कि समिति कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश का इंतजार कर रही है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल जो बैठक हुई थी उस बैठक में यहां पर समानांतर अलग बैठक बुलाए जाने के प्रकरण को देखते हुए अब अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति ने 27 सितंबर को शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। इन तीनों नेताओं ने जवाब भी दे दिया था, लेकिन अब तक ये मामला लंबित है और तारिक अनवर ने कहा है कि इस पर अध्यक्ष को आदेश देना है, हम लोग अध्यक्ष के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मामला हद से ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछले दिनों इस मामले में गहलोत के करीबी माने जाने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर जोर देते हुए भी नजर आए हैं। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है क्या वाकई में यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे गहलोत के समर्थन में अपना फैसला सुनाएंगे या फिर सचिन पायलट के समर्थन में। क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर गहलोत पर मेहरबान होते हुए नजर आ रहे हैं? खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी ने गुजरात में जिस तरीके से अशोक गहलोत ने राजस्थान मॉडल को रखा, उनकी तारीफ की, जिससे यहाँ पर साबित ये होते हुए नजर आया कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।